ये पहला मौका नहीं है जबकि HDFC बैंकों के ग्राहकों को दिक्कत हुई है। पूर्व में भी दो मौके पर ऐसा हो चुका है। रिजर्व बैंक ने उस समय HDFC बैंक पर इसके लिए जुर्माना भी लगाया था। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक ने मंगलवार को स्वीकार किया कि उसके डिजिटल बैंकिंग मंच में दिक्कतें आई। बैंक ने इसके लिए खेद भी जताया। HDFC बैंक ने ट्वीट किया, कुछ ग्राहकों को हमारी नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप पर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। हम प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान कर रहे हैं। ग्राहकों को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है। बाद में बैंक ने ट्वीट करके यह भी सूचना दी कि नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप में आ रही दिक्कत ठीक कर दी गई है। पिछले 2 साल के दौरान HDFC बैंक में सेवाओं में बाधा की समस्या को देखते हुए दिसंबर में रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक पर नए डिजिटल बैंकिंग पहल शुरू करने के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की रोक लगा दी थी। सेवाओं में गड़बड़ी को लेकर HDFC बैंक पर दो अफसरों नवंबर 2018 और दिसंबर 2019 में जुर्माना भी लगाया जा चुका है। बैंक में सेवाओं में आ रही बाधा की शिकायतों पर कड़ रुख अपनाते हुए रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर में कहा था कि बैंक में कुछ खामियां चिंता का विषय है। गवर्नर ने कहा था कि HDFC बैंक को और विस्तार से पहले अपनी IT प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। जुड़े रहें लेटेस्ट अपडेट।